एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लासेस कला के आज के सीरीज में। तो मित्रों, कल की भी संडे मैराथन आप सभी ने पसंद किया, आप सभी का प्यारा कमेंट्स बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी मेहनत का जब रिस्पांस आप लोग प्यारे प्यारे लाइक्स और कमेंट्स के रूप में देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न की। तो वीडियो आज भी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस समय मौजूद है। प्रश्न का कहना है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, यहाँ धर्म की बात कर रहा है, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं या फिर हिंदू धर्म से, जैन धर्म से संबंधित हैं या हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्थापत्य कला से है और स्थापत्य कला के ही प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में पूरे। तो पहला प्रश्न हमारे स्थापत्य कला का जो है उसका सही जवाब होगा डी, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का पूछ रहा है कि खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है किस भगवान को। खजुराहो में एक मंतगेश्वर मंदिर है और वो किस भगवान को समर्पित है, विष्णु को या शिव को, सूर्य को या पार्वती को। ठीक है, तो मंगतेश्वर मंदिर जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, मित्रों निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात कर रहा है, नहीं, ये देखिए यहाँ नहीं शब्द लिखा है, नहीं है। दशावतार का मंदिर नहीं है खजुराहो में, चित्रगुप्त का, कादरिया महादेव का मंदिर नहीं है या फिर आपका 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर खजुराहो में मौजूद इसमें से नहीं है, तो वो है आपका दशावतार का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर नहीं है, यानी इसमें से एक ऐसा ऑप्शन जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्या वो भीमबेटका की गुफाएं हैं या सांची के स्तूप, मांडू का महल या खजुराहो के मंदिर। चारों विकल्पों में से कौन सा है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल नहीं किया गया है, तो वो है आपका मांडू का महल, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका शिकार द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर के हिस्से की बात कर रहा है, शिकार भीतर गांव के मंदिर का शिकार द्रविड़ शैली में बना है या फिर ग्वालियर का तेली मंदिर, कादरिया महादेव का मंदिर या ओशिया मंदिर। कौन से मंदिर का शिकार द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो मित्रों, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसमें बना हुआ है शिकार द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, यानी 100+ से भी अधिक। ठीक है, 100+ से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, अजंता में, कार्ले गुफा में, कन्हेरी गुफा में या फिर राजगृह में। 100+ यानी 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं का केंद्र इसमें से कौन सा है, तो वो है मित्रों कन्हेरी की गुफा। कौन सी गुफा? कन्हेरी की।
अगला प्रश्न कह रहा है, आबू यानी माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है या फिर चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से बना है या फिर संगमरमर से? माउंट आबू का जो मंदिर है वो इसमें से किस चीज़ से बना है? तो माउंट आबू का मंदिर मित्रों संगमरमर से बना है। किससे? संगमरमर से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, निम्न में से कौन सा मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है? पालीताड़ा मंदिर या भीतर गांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर या कादरिया महादेव का मंदिर? इसमें से एक मंदिर है जो जैन तीर्थकर आदिनाथ थे उनको समर्पित किया गया है यह मंदिर, और वो मंदिर कौन सा है? वो मंदिर है आपका पालीताड़ा का मंदिर, ठीक है, ये आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। पूरे लाइन में सिर्फ दो शब्द आपको ध्यान देना है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं कह रहा है निम्न धर्म यानी इसमें से किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग यानी इस्तेमाल के लिए काटकर बनाई गई थी, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? किस धर्म से रिलेटेड है? सिंपल, ठीक है, तो मित्रों शैव धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल कितने उदाहरण उपलब्ध हैं? प्राचीन भारत में, ध्यान से देखिएगा, गुप्त काल की बात कर रहा है, से संबंधित गुफा चित्रांकन, गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल कितने उदाहरण उपलब्ध हैं? एक, दो, चार या छह? तो मित्रों दो उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक है, कौन कौन से ये भी जान लीजिए, अजंता और दूसरा बाघ, ठीक है, दो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था पल्लवों ने, चोलों ने, पाल शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने? स्थापत्य कला के कुछ अच्छे प्रश्न रिवीजन और नए भी हैं, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है, या इनमें से कौन सा मंदिर जो है शैलीकृत, ध्यान दीजिएगा, कॉमन पॉइंट क्या है, शैलीकृत स्थापत्य का एग्जाम्पल है, तटीय मंदिर मामल्लापुरम में जो है वो है, या राजराजेश्वर का मंदिर तंजावुर में जो है वो है, या कैलाश का एलोरा मंदिर है, या जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में है? शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो मित्रों वो है आपका कैलाश मंदिर एलोरा का, एलोरा की जान जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न का पूछना है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट जो है खासकर ब्राह्मण दौर उनका उस समय चला था, लेकिन उनको संरक्षण जो प्राप्त था किसी और धर्म का था, क्या वो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म,
सर्वधर्म या शक्ति धर्म। तो मित्रों उनको जो था वो जैन धर्म का राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया, वकाटक ने, गंग ने, चालुक्य ने या पल्लवों ने। प्रश्रय का आशय जो है यहाँ पे संरक्षण से है, ठीक है ठीक है, या फिर बनाने से है, निर्माण से है। तो किसने दिया था मित्रों, तो वो दिया था आपके वाकाटक शासकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से या पंचतंत्र की कहानियों से। मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं वो स्पेशली किस चीज को फोकस कर रही हैं, उसके अंदर के चित्रांकन जो हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है, यानी बौद्ध के पूर्व जन्म से लेकर बौद्ध के सभी कहानियों को दिखाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है, अजंता की गुफाएं, लेपाची मंदिर, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। सवाल है भित्ति चित्र कला के लिए, यही है आपका पॉइंट, उसमें भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्र कला के लिए ये दोनों ही जाने जाते हैं, मतलब आपका अजंता की गुफाएं और लेपाची का मंदिर भी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में या बंगाल में, बिहार में या फिर गुजरात में। मोडेरा का सूर्य मंदिर मौजूद है मित्रों गुजरात में, कहाँ मौजूद है, गुजरात में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न का कहना है उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है, यानी उड़ीसा में इसमें से एक मंदिर है जो नष्ट होने के बाद से जो बचा है उसमें से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर जगन्नाथ का मंदिर है या लिंगराज मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है या फिर राजा रानी का मंदिर। कौन है नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा, तो वो है मित्रों लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं किसकी, पत्थर की बनी है तीनों की मूर्तियां या धातु की, लकड़ी की बनी है या कांच की। ठीक है, जगन्नाथ पुरी यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ हैं, सुभद्रा हैं और बलभद्र हैं, तीन लोग की मूर्तियां बनी हैं, और वो किस चीज़ की मूर्ति बनी है यह है हमारा प्रश्न का पूछना, और उसका सही जवाब है लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लकड़ी की। अगला प्रश्न है बरोब दूर स्तूप कहाँ स्थित है, जावा में या सुमात्रा में, कंबोडिया में या बोर्नियो में। हाँ, एक कमेंट्स लेंगे, कल एक कमेंट्स था एक हमारी फीमेल महोदय का कि सर कौन कौन सी बुक आपने पढ़ लिया है। तो मैडम बुक तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, अभी भी मेरे पास है, और आपने पूछा भी था कि सर लाइक मत दीजिए, बुक का नाम बता दीजिए कौन कौन सा पढ़ लिया है। तो मेरे बुक पढ़ने से आपको क्या करना है मैडम, आपको पढ़ना जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। रीता प्रताप ले लीजिए, आधुनिक कला में गोस्वामी जी का ले लीजिए,
अजमेर बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड की जो बुक मिलती है उसे ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, इन सब बुक को लेके पढ़िए, उतने ही में आपके पास बहुत काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये सब चीज़ें हम रखे हुए हैं और हम पढ़ते हैं आप ही लोग के लिए, ताकि आपके अच्छे क्वेश्चन मिलें। और इस प्रश्न का सही जवाब है जावा में है बोरोबुदुर स्तूप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट्स का जवाब मेरे इस वीडियो में मिला होगा और आप ज़रूर उसे सुनी होंगे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था मौर्यों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा या फिर पल्लवों के द्वारा? रथ मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में किसके द्वारा करवाया गया था? तो मित्रों, वो करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? इसमें से द्रौपदी का रथ मंदिर सबसे छोटा है या भीम रथ, अर्जुन रथ सबसे छोटा है या धर्मराज रथ? ठीक है, रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन सा है? तो रथ मंदिर में सबसे छोटा जो है वो द्रौपदी रथ है। याद रखिएगा, कौन सा रथ है? द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अमरकटक का मंदिर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या ओंकारेश्वर का मंदिर या अर्शवल्ली का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका अर्शवल्ली। कौन सा? अर्शवल्ली का मंदिर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? चिदंबरम में, हम्पी में, भद्राचलम में या श्रीकालहस्ती में? कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर मित्रों हम्पी में है। ठीक है, अगला प्रश्न का कहना है, भारतीय मंदिर वास्तु की कितनी मुख्य शैलियां हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की कितनी मुख्य शैलियां हैं? दो, चार, पांच या तीन? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। ठीक है, तो भारतीय मंदिर वास्तु की कितनी मुख्य शैलियां हैं? तो वो हैं आपकी तीन मुख्य शैलियाँ, मुख्य तीन हैं। पहला है नागर, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है बेशक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का पूछ रहा है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया? कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ के अनुसार इसमें से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया? ठीक है, धोली स्थित शैलकृत हाथी का या महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का या उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति का? किसका कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ के अनुसार किसका सबसे पहले निर्माण करवाया गया, ये प्रश्न है हमारा। इसका सही जवाब है धोली स्थित शैलकृत हाथी का। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन का आपके कह रहा है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कादरिया महादेव के मंदिर में वो नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना गया है, लेपाछी मंदिर में है वो, बृहदेश्वर मंदिर में हो या लिंगराज मंदिर में? तो मित्रों, वो बृहदेश्वर मंदिर में है। ठीक है, नंदी की मूर्ति भारी भरकम है जो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः षष्ठभुज है
देवाकृति जो है वो षष्ठ भुज है या चतुर्भुज है, द्विभुज भुज है या अष्टक भुज की है, यानी कितने भुजा की है। यानी चोल काल में निर्मित नटराज की काश्य प्रतिमाओं में एक देवाकृति है जो है प्रतिमा, वो कितनी भुजा की है ये पूछ रहा है। तो मित्रों वो चतुर्भुज है यानी चार भुजाओं की। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? सवाई जयसिंह को, महाराणा सांगा को, पृथ्वीराज चौहान को या महाराणा कुंभा को? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है महाराणा कुंभा को। किसे? महाराणा कुंभा को। और आइए वीडियो का आखिरी प्रश्न, बिल्कुल रीसेंट प्रश्न है, करंट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया और उसके उपलक्ष्य में वहाँ प्रोग्राम हो रहा है और वो प्रोग्राम आपका 6 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? 6 नवंबर तक वो चलेगा। और हाल ही में वहाँ पे शिव की बड़ी सबसे बड़ी प्रतिमा का, यानी उस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 369 फीट की है। कितनी है? 369 फीट है वो प्रतिमा, और उसका अनावरण किया गया है। किस राज्य में वो है? तो मित्रों वो है आपकी राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान के एक ज़िले में है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो और उसमें बताए गए आज के स्थापत्य कला की जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, तब फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।